फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ेंगे फोर एक्सरसाइज का महाद्वीप एवं महासागरीय नीतल की उत्पत्ति। तो स्टार्ट करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये अभी हम लूसेंट पढ़ रहे हैं और अगर उससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी छोटा सा लेसन है। तो देखो, पहला प्रश्न है हमारा, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का उच्चावच है? तो ये श्रेणी का उच्चावच का मतलब होता है कि जो नेचुरल थिंग्स होता है वो सारे क्या होते हैं, प्राथमिक होते हैं। मीन्स जो फर्स्ट सेट में बना है तो उसे हम क्या कहते हैं, मीन्स उच्चावच श्रेणी। तो किस श्रेणी में आते हैं, प्रथम श्रेणी में आता है, चाहे महाद्वीप हो या महासागर हो। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? देखो, महाद्वीप है और एक होता है महासागर। महाद्वीप का मतलब हुआ स्थल का बड़ा बड़ा भूभाग जो है, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब क्या है, स्थल मंडल कहते हैं या उसे महाद्वीप कहते हैं। तो टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। और वहीं जल के जो बड़े बड़े मीन्स भाग हैं उसे हम क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं या ओशियन कहते हैं। तो प्रश्न में है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। तो अगर आपको पता होगा तो आप, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, अप्रोक्स 3/4 क्या है, हमारा जल है। डैट मीन्स 1/4 क्या होगा, पानी होगा, लगभग में है। तो हम इलिमिनेट कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन तो मेरा होगा नहीं। याद रखो, आप कितना है, 29.2% क्या है, भूभाग पर महाद्वीप है और 70% पे क्या है, पानी है। इसे दो प्रश्न आ गया। नेक्स्ट है हमारा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रोणता है, मीन्स महाद्वीपीय प्रवाह का जो सिद्धांत है वो किनके द्वारा दिया गया, तो वेगनर के द्वारा। वेगनर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेगनर। फिर वह कार्बोनिफेरस युग में विश्व के संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो यह दिया गया था वेगनर के द्वारा ही, वेगनर के द्वारा ही। आप जब ब्रह्मांड या आपके पास अगर मानचित्र होगा तो आप उसे ध्यान से देखना और फिर जब उसको मिलाओगे, तो जैसे इंडिया का मान लो ये नीचे का पोर्शन ऐसा है, तो अफ्रीका का कहीं पोर्शन देखोगे कि ऐसा टेढ़ा हुआ है। मीन्स अगर आप सबको मिलाओगे तो पता चलेगा कि ये पूरा क्या था, एक स्थल मंडल, एक ही जगह था और धीरे धीरे इसमें दरार पड़ने के कारण क्या हुआ, ये अलग हुआ। तो ये कथन किसका था, वेगनर का था। नेक्स्ट है हमारा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ये किया गया 1960 में। कब किया गया, 1960 में। प्लेट विवर्तनक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किए थे? तो वो कौन किए थे, हैरी हेंस। हैरी हेंस बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हैरी हेंस, क्योंकि इसी के कारण मीन्स प्लेट विवर्तन के कारण ही भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, चाहे महाद्वीप जो अलग होता है उसके बारे में, बहुत कुछ के बारे में पता चलता है। अभी जो पर्वत है, कहाँ पे पर्वत होने वाले हैं भविष्य में, या किस टाइप का पर्वत है, सब कुछ इसी से पता चलता है। तो याद रखिएगा, इसे टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है, ये 7 प्लेट है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा में हुआ है? तो वो हुआ है भूमध्य रेखा व पश्चिम की तरफ, भूमध्य रेखा व पश्चिम की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मीन्स अलग जो हुआ धरती तो वो किस साइड में गया, वो भूमध्य रेखा और पश्चिम की तरफ गया। फिर वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ? यह क्या था, प्री कैम्ब्रियन में। नेक्स्ट है, वेगवर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ पेंजिया क्या है। जैसे अभी हम पढ़ते हैं एशिया, यूरोप, ये सब पढ़ते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट है, तो ये पहले सब एक ही जगह था, एक ही स्थल मंडल था, तो उसको क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। तो हो सकता है मीन्स आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पेंजिया क्या था, तो पेंजिया क्या था, एक बड़ा स्थल मंडल था, ठीक ना। आप ऐसे आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें है कि वेगनर के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उन्होंने पेंजिया कहा, ये बिल्कुल सही है, उन्होंने इनका नाम क्या रखा, पेंजिया कहा था। फिर पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, ये गलत है। टेथिस सागर जो जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे है ये टेथिस सागर, तो ये गलत है। आपसे एक प्रश्न ऐसा आ सकता है कि हिमालय जहाँ भी है पहले वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे पहले टेथिस सागर था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और भी पढ़ लेते हैं क्या सब होगा। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आगरा लैंड के भाग थे, मीन्स उत्तरी अमेरिका, यूरोप,
आदि जो क्या था, ये आगरा लैंड का भाग था। फिर अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था, मीन सब क्या था, एक दूसरे से मिला ही हुआ था। नेक्स्ट, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है, मीन सबसे लेटेस्ट जो इसमें सिद्धांत है वो कौन सा है, तो वो है प्लेट विवर्तनिक, मीन्स टेक्टेनिक प्लेट का सिद्धांत, हमारा आंसर ये सही है। तो ये था मेरे वीडियो का एंड, क्योंकि इसमें 10 ही प्रश्न थे, तो मैं इंडिविजुअली हर लेसन का अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा हो और कंसेप्ट भी क्लियर होता चले। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो और आप कुछ सीखते हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमको कैसा लग रहा है, और अगर नहीं पसंद आ रहा तो भी बताइए और डिसलाइक कीजिए ताकि हम समझें कि, और बताइएगा क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखे, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा, एजुकेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।